हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ब्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से, बच्चों का टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। आलू गोभी की बहुत ही क्विक वाली सब्ज़ी जो टिफ़िन बॉक्स के लिए एकदम ही अप्रोप्रिएट है, रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने कुछ एक हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें जब भी आप लेकर आएँ मार्केट से, उनको सूखा करके उनका जो टॉप होता है ना, वो रिमूव कर दें और फिर इस तरह से उसको टिश्यू पेपर में रैप करके रखेंगे ना, तो बहुत दिन अच्छी रहती हैं। मेरा ये हफ्ते भर पुराना लॉट है। सिमिलरली अदरक भी मैंने इसी तरह रखा है। थोड़ी बहुत अगर वेपर्स चिपक जाती हैं तो उसको आप साफ़ कर दें, इससे सब्ज़ी की लाइफ है ना बहुत अच्छी रहती है, बहुत वक्त तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। गोभी का फूल फ्रेश ही है, संडे को ही लाए थे, तो बस इसको मैं अभी काट करके तैयार करूँगी। और आजकल बहुत ही अच्छी गोभियाँ आ रही हैं, एकदम फ्रेश, कीड़े वीड़े भी नहीं होते और एकदम वाइट एंड बटरी। आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, पर सानवी खुशी को गोभी ज़रा कम अच्छी लगती है, तो मैं आलू थोड़ी सी ज़्यादा डाल करके बना रही हूँ। सब्ज़ी मैं आज बनाने वाली हूँ मेरे न्यू इंडस वैली कुकवेयर में। ये एक वोक है जिसमें हैंडल भी है और लिड भी है, और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। 100% स्टेनलेस स्टील से बना है। इसकी शाइन आप देखिए, शाइन भी इतनी बढ़िया है। इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार मैं धो लूँगी, एंड इसका जो लिड है उसमें भी कितनी अच्छी शाइन है। इट इज़ मेड फ्रॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील, 100% फूड सेफ मटीरियल है, और ट्राईप्लाई कंस्ट्रक्शन की वजह से कुकिंग जो होती है वो और भी ज़्यादा इवन और फास्टर हो जाती है। द 18x10 स्टेनलेस स्टील लेयर ऑन द कुकिंग सर्फेस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम बर्निंग, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। मैंने जो कढ़ाई है इसको अच्छी तरह से धो लिया है, और जो सब्ज़ी है ना मेरी, वो मैं बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके रख दिया है स्मोक होने के लिए। जब तक ऑयल अच्छे से पक जाएगा तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। ये जो वोक स्टाइल की कढ़ाई होती है ना, जो वोक होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट होते हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा लंबा हैंडल होता है जिससे आपकी ग्रिप अच्छी रहती है बर्तन पे। तो आप थोड़ा सौते कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं इजीली, और इसको इसके अंदर फूड चलाना भी बहुत आसान है। आलू गोभी मैं थोड़ा छोटा छोटा ही काट रही हूँ। जब आप टिफ़िन के लिए सब्ज़ी काटें तो थोड़ी सी छोटी काटें, इससे जो कुकिंग टाइम है वो बहुत बच जाता है। छोटे छोटे चंक्स होते हैं सब्ज़ी के तो फास्टर कुक होते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया, इसको मैं सब सरफेस पे फैला लूँगी। एंड दिस ब्यूटिफुल वोक इज़ वेरी ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन। नाउ यू कैन गिव अ हेल्दी ट्विस्ट टू योर फेवरेट डिशेज। फॉर एफर्टलेस कुकिंग आई सजेस्ट यू टू यूज़ इंडस वैली ट्राई अप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। गर्म तेल के अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्ची, कटी हुई हरी मिर्ची एंड जो जिंजर था ना वो। आलू गोभी में जिंजर आप ज़रूर से डाला कीजिए, स्वाद भी अच्छा आता है और उसकी जो वात की जो टेंडेंसी रहती है ना, उसको भी कंट्रोल रखता है। अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सारी की सारी सब्ज़ी को, तेल से कोट कर लेंगे। थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और नमक बस। लाल मिर्ची का पाउडर मैं इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने हरी मिर्ची जो ऐड की है वो थोड़ी सी तीखी है, और मुझे ये सब्ज़ी तीखी नहीं बनानी, बच्चे को ऐसे ही अच्छी लगती है। बस अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इंडस वैली ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये ब्यूटीफुल सा अमेजिंग प्रोडक्ट, ये है ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील तसला। तसला को आप कढ़ाई की तरह, बोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये तसला लिड के साथ आता है एंड इट इज़ सिंपली ग्रेट फॉर नीडिंग और मिक्सिंग फूड। और ये तसला है ना, ये इंडक्शन बेस के साथ आता है, इट हैज़ नो केमिकल कोटिंग। 18x10 स्टेनलेस स्टील लेयर ऑन द कुकिंग सरफेस प्रोवाइड्स बेटर कुकिंग रिजल्ट्स विद मिनिमम ऑयल। और ये जो तसला है ना, जैसा मैं बता रही थी, नीडिंग डो के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेकिंग सब्जी, फ्राइंग पूरी, मिक्सिंग फूड, मेकिंग बैटर एंड वॉट नॉट। सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, काफ़ी देर से भुन रही है सब्ज़ी और सब्ज़ी डन लग रही है, और देखिए कहीं भी नहीं चिपका है। बिना पानी के मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुकी है सब्ज़ी मेरी, रेडी हो गई है। आलू देखिए मैं स्टर कर रही हूँ तो टूट रहे हैं, तो बस मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ। चुटकी भर ऐड करा है मैंने इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, गिव इट अ गुड मिक्स, और ये सब्ज़ी हो गई रेडी। और ये जो मेरा वोक है ये बहुत ही आसान है टू क्लीन, इसको डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं
एंड हाथ के हाथ धो के रख दीजिए, इससे इसकी शाइन एंड लाइफ बरकरार रहती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग खुशी। सर्दियों का सीज़न लग चुका है और सर्दियों का सीज़न स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी होता है। मार्केट में फ्रेश स्ट्रॉबेरी मुझे दिखने लगे हैं, तो अभी मेरा जो स्ट्रॉबेरी मैंने प्रिजर्व करके रखी थी ना समर्स में इस्तेमाल करने के लिए, उसका लास्ट लॉट है ये, और मैं सोची कि चलो इसे ख़त्म कर डालते हैं क्योंकि अभी मार्केट में फ्रेश वाली मिलने लगेंगी तो उन्हें इस्तेमाल करेंगे, और जब सीज़न जाने लगेगा तो मैं फिर से थोड़ी सी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो प्रिजर्व करूँगी समर्स के लिए। मैं बना रही हूँ मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी वाला, इसमें आइसक्रीम डलती है, मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है एंड बस व्हिप इट, और बहुत ही बढ़िया सा मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी वाला तैयार हो गया है, और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग कभी बाहर जाते हैं ना तो सानवी खुशी बिंदास स्ट्रॉबेरी शेक अपने लिए ऑर्डर कर देती हैं, पर शर्मा जी को ये लगता है कि लोगों को क्या लगेगा, मैं लड़का हूँ मैं भी स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा हूँ। हालांकि किसी को कुछ नहीं लगता बट उनको ऐसा फील होता है, उनको स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों वाले जितने भी आइटम होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं अभी भी। आटा नीड करने के बाद मैंने तसला में रख दिया था और उसके साथ लिड आती है तो कवर करके रख दिया था। अच्छा रेस्ट हो चुका है आटा, फटाफट से मैं इसके पराठे कर लूँगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आटा गूंदना था क्योंकि यही बच्चों के टिफ़िन में भी जाएगा, यही हमारा ब्रेकफास्ट भी बनेगा और दोपहर के लिए भी दो एक रोटियाँ बनेंगी, तो वो मैं इसी आटे का इस्तेमाल कर लूँगी। अदरवाइज़ तसला में भी आप आराम से आटा लगा सकते हो अगर आपको सिर्फ टिफ़िन के लिए या थोड़ा आटा लगाना है। और ये जो मेरा आप तवा देख रहे हो ना, ये जो पैन है ये भी इंडस वैली का ही है, ये कास्ट आयरन का है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मुझे इसमें पराठे बनाना पसंद है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और क्योंकि ये कास्ट आयरन का है ना, ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है तो लो हीट पे भी बढ़िया पराठे सिक जाते हैं। खाना हो चुका है रेडी है, फटाफट से सानवी खुशी का टिफ़िन लगा दूंगी मैं, तो थोड़े आलू ज़्यादा गोभी कम उनको मैं दे रही हूँ, और खाना मैं आज उनको दे रही हूँ इंडस वैली के स्टेनलेस स्टील स्नैक बॉक्स में। ये सेट ऑफ टू में आता है, मेरे पास है पिंक एंड येलो, 500 ml इसकी कैपेसिटी होता है एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिक मटीरियल्स, इट इज़ मेड फ्रॉम फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। और ये जो स्नैक बॉक्स है ये फूड सेफ है, BPA फ्री है, इट इज़ ऑल्सो फ्रीज़र सेफ, इट हैज़ अ स्टील प्लेट, सुपर कॉम्पैक्ट है, इजी टू क्लीन है, डिश वॉशर फ्रेंडली भी है, नो वरीज अबाउट रस्टिंग क्रैकिंग और ब्रेकिंग, इट हैज़ अ मिरर पॉलिश इनसाइड आउट, ग्रेट फॉर गिफ्टिंग भी है, और लंच बॉक्स तो इतना सुंदर लग ही रहा है ये। वो मैं फूड रैप पेपर में उनको रैप करके दे रही हूँ, साथ में रख रही हूँ ये पिन्नी, ये आटा गूंद का लड्डू है, इसे पिन्नी भी कह सकते हैं, तो ये जा रहा है एक एक उनके डब्बे में और हो चुका है उनका टिफिन बॉक्स तैयार। हस्बैंड बच्चों को लेकर गए हैं बस स्टॉप तक उनको बिठाने के लिए, और मैंने यहाँ पे हमारे लिए पराठे बना लिए हैं, थोड़ा आटा बच गया है तो जो मेरा तसला है उसका जो लिड है वो लगा करके मैं इसे स्टोर कर दूँगी, इट इज़ ईजी टू स्टोर एज वेल। और आप इन प्रोडक्ट्स में या इंडस वैली के और किसी भी कुकवेयर में इंटरेस्टेड हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक मैं रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो आपके लिए है मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में भी मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा हैंडसम डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ। कुकिंग मेरी सुबह की डन हो चुकी है। थोड़ी बहुत सफ़ाई मैं अभी कर लूँगी और थोड़ी बहुत सफ़ाई मैं तब करूँगी जब मैं प्रॉपरली किचन साफ़ करूँगी, यानी कि बर्तन डिश वॉशर में लगाऊँगी। सुबह की चाय मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मेरा वेकअप हो गया हो, बट हर बार अभी मिलती नहीं है। जब हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तब हम लोग चाय वाय बना लेते हैं। अगर उनका ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं होता तो फिर उस दिन हम लोग फ्रूट ही खा लेते हैं दोनों। तो ब्रेकफास्ट मैं तो नहीं कर रही हूँ, मुझे सुबह सुबह सब्ज़ी पराठा ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं आता है। मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी चाय लूँगी, हस्बैंड को जाना है ऑफिस तो उनका ब्रेकफास्ट मैंने लगा दिया है। और मैंने खाया था पपाया और इसके बाद बस घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई एंड आई विल गो फॉर शावर। मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारी हरी सब्जियां रखी हुई हैं, इनको साफ़ करने में ना थोड़ा वक्त लगता है और ना गंदगी भी बहुत हो जाती है। आप कभी मेथी पालक साफ़ करें तो ऐसे हो जाते हैं ना हाथ थोड़े से अजीब से काले काले से, और मिट्टी विट्टी इनसे थोड़ी गिरी जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये काम निपटा दूँ आराम से, उसके बाद मैं जाके फ्रेशन अप हो जाऊँगी। काफ़ी सारी हरी सब्जियाँ थी मेरे पास, मेथी है, पालक है, थोड़ी मूली भी थी, स्प्रिंग अनियन भी थी। मैं जब भी सब्जियां लेकर आती हूँ तो उसमें से वो सारी सब्जियां जो हरी सब्जी की कैटेगरी में गिरती है इंक्लूडिंग धनिया, वो मैं साफ़ करके रख देती हूँ जल्दी से। उससे फिर ना इजी हो जाता है उनको इस्तेमाल करना। तो बाकी जो सब्जियां रहती हैं जैसे गोभी, बैंगन, भिंडी वगैरह हो गई, वो मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ साफ़ करके स्टोर कर देती हूँ। उनको चॉप वॉप करके रखना ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पालक साफ़ कर लिया है, इसको बॉक्स में डाल करके रख दूँगी। और मेथी भी साफ़ हो गई थी, बट मेरे पास इतना बड़ा कोई कंटेनर अभी था नहीं जिसमें मैं मेथी को स्टोर करके रख सकूं। तो ये एक तरीका आप आजमा सकते हो। ये जो क्लिंग फिल्म होती है इसके अंदर आपकी जो भी सब्ज़ी रहती है, जैसे मेथी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, बट आपका कॉलीफ्लावर, खीरा, अगर आप इस तरह रैप करके रखें तो ज़्यादा वक्त तक फ्रेश रहता है। इस तरह से छोटे छोटे पार्सल्स बना लीजिए। इनफैक्ट मील साइज़ पार्सल आप बना सकते हो। जैसे मेथी ज़्यादा है, आपको दो बार इस्तेमाल करनी है, तो दो पैकेट बना लीजिए। इससे आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे दो सब्ज़ियों में या दो बार मेथी की रेसिपी करनी है, तो बहुत टाइम बच जाता है। इससे कन्वीनियंट भी रहता है। एक बार का आधा पौना घंटा लगता है आपका ये सब करने में, लेकिन जब आप खाना बनाने जाओगे ना तो क्या बनाऊँ ये सवाल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही जो सब्जियां हैं आपने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इससे ये बनाना है। और फिर जब ये सवाल सॉर्ट हो गया कि क्या बनाऊँ, तो बन भी फटाफट जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने साफ़ करके संवार करके रखी हुई हैं। मेरे लिए लंच तो रखा ही हुआ है, बट बच्चों को मैं सेम लंच नहीं देती हूँ। उनको अच्छा भी नहीं लगता जो सुबह खा के गए वही वापस आकर घर पे खाओ, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत ना डिफरेंट कर देती हूँ। मेरे पास थोड़े से एग्स रखे थे, मैंने पहली बार लिशेस के एग्स मंगाए हैं, और ये मैंने इंस्टामार्ट से ही मंगाया है। मैं आपको बता भी रही थी, बड़ा ही कन्वीनियंट है, आराम से। स्विगी वाला इंस्टामार्ट की बात कर रही हूँ मैं, वो आराम से दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारा सामान अभी मैं उन्हीं लोगों से मंगा लेती हूँ। तो मैं सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ यहाँ पर एग्स स्पिनच राइस। थोड़े से लेफ़्ट ओवर राइस मेरे पास रखे हुए हैं, उन दोनों को पसंद भी आता है। मैं तो एग खाती हुई नहीं हूँ, बट उन लोगों को मैं देती हूँ। यहाँ जो मैंने पालक साफ़ करके रखा था, इसमें से थोड़ा सा पालक निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा स्पिनच कर दूँगी तो उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसे करने से ना देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा बेनिफिट तो मिल ही जाता है, स्पिनच का न्यूट्रिशन मिल ही जाता है। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है अपने आप में। आप बच्चों को दे सकते हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बट बच्चे है ना खा लेते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ पे जो स्पिनच है उसको ऐसे ही साफ़ करके थोड़ा सा बारीक बारीक लंबा लंबा ही काट लिया है। एंड इसके बाद दो अंडे लिए हैं मैंने, इसको भुर्जी कर लूँगी। भुर्जी बिल्कुल प्लेन कर रही हूँ मैं, इसमें कुछ भी प्याज या मसाले नहीं कर रही हूँ, सॉल्ट भी नहीं डाला है मैंने। जब ये जो हमारे स्क्रैम्बल्ड एग्स रहेंगे इनको राइस में फोल्ड करेंगे तो उसके मसाले से ही काम हो जाएगा।
पैन में ऐड किया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर जाएगा सबसे पहले गार्लिक। गार्लिक मैंने चॉप करके नहीं रखा था, गैस मैंने इसलिए बंद कर दी और मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ। इसमें गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गार्लिक है ना स्पिनच के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। आप कुछ भी वेरिएशन बनाइए स्पिनच का, बट उसमें गार्लिक इन सम फॉर्म आप ऐड करते हो तो वो स्पिनच के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था, मैंने वापस से गैस ऑन कर लिया है। अभी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ गार्लिक। गार्लिक को थोड़ा ज़्यादा भूनेंगे, इस पर अच्छा सा लाल लाल ह्यू आने लगे इतनी देर तक। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पिनच। स्पिनच को थोड़ी देर भूनिएगा। वैसे तो ये लीफ हैं, ये थोड़ी ही देर में विल्ट डाउन हो जाती हैं, थोड़ी ही देर में कुक हो जाती हैं, बट स्टिल एक डेढ़ मिनट इसे भून लें। और इसके बाद इसके अंदर ऐड कीजिए राइस। राइस क्योंकि ये बासमती राइस नहीं है, डेली वाला राइस है, तो ये फ्रिज में से आया है, थोड़ा ज़्यादा कड़क फील होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पका लूँगी। वैसे आपको पानी का छींटा डालकर भी आप चावल पका लेंगे ना तो वो एकदम फ्रेश जैसा हो जाता है। स्वाद के हिसाब से नमक और आपके चॉइस की सीजनिंग आप ऐड कर लें, या आपके बच्चे जो मसाले जितने मात्रा में खा लेते हों उस तरह आप इसमें मसाला कर लीजिए। थोड़ा सा इसे सिंपल ही रखिएगा। और बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जो एग बनाया था, स्क्रैम्बल्ड एग्स। गिव इट अ गुड टॉस, गुड मिक्स। और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बच्चों को जो पसंद आती है, वैसे तो सभी को अच्छी लगती है बट बच्चे ना खा लेते हैं प्यार से। और शाम को मैं निकली थी थोड़े से फ्रूट्स लाने के लिए। सुबह बच्चों के टिफ़िन में मैंने कोई फ्रूट नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए आई थॉट कि चलो जाकर लेकर आते हैं, थोड़ा सा ना फिर इजी हो जाता है, उनको फ्रूट देना है, मुझे चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, तो रखा रहे तो फिर खाया जाता है, नहीं है तो फिर वो स्किप ही हो जाता है। तो जो मुझे अच्छे वाले मिले वो मैं ले आई हूँ। और जो सरसों का साग रहता है ना, वैसे तो अभी सीज़न आ गया, बड़ी अच्छी सरसों वगैरह मिल जाती है सर्दियों में, बट अभी तक मुझे नहीं दिखी है मार्केट में। लेकिन बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सरसों मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो ये नॉर्थ बेल्ट है वहाँ पे तो सरसों बहुत अच्छी वाली और बहुत आसानी से मिल जाती है, बाकी एरियाज़ में इंक्लूडिंग मेरा विसिनिटी थोड़ा मुश्किल होता है। डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि कब अच्छी सरसों आएगी तो साग बनाएंगे। तो इसका एक अच्छा सा ऑल्टरनेट मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। आप बना सकते हैं मूली का साग। मूली के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं सरसों से, स्मेल में भी, देखने में भी, टेस्ट में भी। थोड़ा अपना जो फ़र्क है इनका वो तो रहेगा ही, बट आप मूली का साग बना करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे जो मूली के रूट्स होते हैं, जो मूली होती है बेसिकली, जो हम बाकी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेपरेट कर लिए हैं। बट पत्ते यूजुअली या तो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं या तो सिर्फ इसकी भुजी बनती है, सब्ज़ी बनती है। मैं साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो मूली के पत्ते हैं ना वो अच्छी तरह से चॉप करने के बाद धो लिए हैं। कई बार धो लेना चाहिए इनको, चॉप करने के बाद भी धोना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत किरकल सी रहती है, किरकिरी जो होती है ना, मिट्टी सी। और थोड़े से पालक भी ले लिए हैं, तो इनको साथ में डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके मैं बॉइलिंग के लिए रख दूँगी।
साथ में बन रही है हमारी चाय। अब चाय देखकर मुझे एक कॉमेंट याद आ रहा है, वो बोल रहे थे कि आपके सास ससुर जब आते हैं तो आप पानी में चाय बनाती हो, अपनी दूध में चाय बनाते हो। तो चाहे आप दूध से शुरू करें चाहे चाय शुरू करें, पानी से, दूध और पानी दोनों ही डलेंगे उसमें। लेकिन इसके पीछे एक बेसिक सा फ़र्क है, हम लोग पीते हैं अदरक वाली चाय जो बहुत ज़्यादा अगर पका ली जाए ना तो बहुत पंजी हो जाती है, गले में लगती है। बट मम्मी पापा पीते हैं मसाला वाली चाय, तो उसको बहुत अच्छे से पकाना ज़रूरी है, वरना वो कच्चा कच्चा सा मसालों का टेस्ट आता है। बस यही छोटा सा फ़र्क है कि मैं उनकी चाय पानी से शुरू करती हूँ। बस यही छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। वैसे तो मेरे इन लॉज जब आते हैं तो मुझे बहुत तरह तरह के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। छोड़िए उस सब की बात। देखिए चाय हो गई है यहाँ पर रेडी, और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर भी। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, और रेसिपी भी जो साग वाली है वो आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।